आओ दिलदानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मीना, हम आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड में। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत अच्छे और अगर अपनी फैमिली का ख्याल। तो आज मम्मी हम अपने सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही अच्छी चीज लेके आए हैं। बेसिकली कुछ सब्सक्राइबर ने हमारे को एक गाना भेजा और बोला भाई इस गाने के ऊपर रिएक्शन करो, न्यू टैलेंट है, मैंने इनको पहली बार सुना है। ये अपना मतलब कि कहते हैं ना सिक्का जमा रहे हैं, तो वो लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो गाना है, गाने का नाम है मिडिल क्लास बॉयज। तो मुझे गाने का नाम सुन के ही मतलब ऐसा लगा कि यार गाना तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बेसिकली ये एक जैम है, जैसे अंडरग्राउंड बैटल होते हैं, अंडरग्राउंड रैपिंग होती है मम्मी, वैसे से है। और ये जिन्होंने ये रैप वगैरह करा है वो है जी ट्रिक और सब स्पेस। तो ये है जिन्होंने ये गाने को प्रेजेंट करा, देखते गाना कैसे होने वाला है। और नए टैलेंट जब मार्केट में आते हैं ना तो यार उनको ना इनकरेज करने का बड़ा मन करता है। तो मेरे को कोई ऐसा गाना भेजता और मैंने थोड़ा सा गाना सुना था, मुझे बहुत कैची सा सॉन्ग लगा था, तो मेरे को लगा आपके साथ इस गाने को सुनना चाहिए। तो आप तैयार हो नए टैलेंट को सुनने के लिए? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी हर कोई इंसान पावरफुल नहीं होता, पहले वो धीरे धीरे कोशिशें करता है और उसकी कोशिशें जब कामयाब हो जाती है तो वो अपने आप ही पावरफुल हो जाता है। तो वो मिडिल क्लास का बच्चा है, उसने गाना गाया है तो हम उसका पहले गाना जरूर देखेंगे, ये हमें जरूर देखना चाहिए। क्यों कि मिडिल क्लास के लोग जो है ना वो उठ के वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। बिल्कुल वो ज़्यादा टैलेंटेड होता है मुझे लगता है और लोगों से। तो ज़्यादा बात नहीं करते, पहले चलते हैं जैम के ऊपर। उससे पहले बता दो जो जो हमारे चैनल पर नए जिन्होंने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिना किसी के जिसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबाना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। ऐसे ही और भी गाने के ऊपर रिएक्शन चाहते हो आप, चाहते हो मैं और भी ऐसे के सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्ट करते रहे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मिडिल क्लास बॉयज, तेरे फैंस तेरे हाइप पे हम डाले डाका, केसीडी चलो चेक करो पूरा नाका, जाली लोग जाली हाइप पे हमारे छापा, बार्स की है तस्करिया हुकुम देंगे तेरे यार, तार के ऊपर से यहाँ गाने पहुँचे सरद पार, अलग माल भाई तेरा टॉप रेटेड कलमकार, बीट किलर मोस्ट लीगल कड़ी पार, जब से किया रैप करना चालू हर दिन लगता रविवार, तू कहता रियल तो जूते में चार स्ट्राइप्स क्या है, 50K फॉलोअर्स और 200 लाइक्स क्या है, काम करता जा रहा फिर ये हाइप क्या है, इंटरनेट रिच ब्रो असल में ये लाइफ क्या है, और कोई नहीं जानता तेरा साइड क्या है, जो बोला वो कर, ये लेफ्ट बोल के राइट क्या है, तू चाहता बुरा मेरे बारे में तो बुरा करना ब्रो, फिर ये स्वीट ड्रीम्स और ये गुड नाइट क्या है, बजे रात के 12 लड़के घर से 9-11, वॉल्यूम फुल गाड़ी आसमां को छूना चाह रहा, क्लब में पी के पेल सादा पानी लगता खारा, सूरत से पहले कोई ना घर को अपने मुंह दिखा, हमेशा लेके नया जायका, स्ट्रगल चालू पर ना भूखा कोई हाइप का, वैसे तो मजा ले रहे अभी हमें लाइफ का, पर चाहिए अपना बाथरूम और बेडरूम के साइज का, ये वो मिडिल क्लास बॉयज, बाथरूम चाहिए बेडरूम भी देश का, नाइस यार, बहुत जिम्मेदारी साथ लेके चले हसल, जब भी स्पॉटलाइट पे ना मचे मिडिल क्लास नॉइस, ये वो मिडिल क्लास बॉयज, काम सब पे भारी ना कोई मिडिल क्लास चॉइस, बहुत जिम्मेदारी साथ लेके चले हसल, जब भी स्पॉटलाइट पे ना मचे मिडिल क्लास नॉइस, मेरा टाइम राइट साथ लेके चलू लाइमलाइट, प्यार मिलता लोगों से तो हम भी देते लाइक वाइज, सपने जोड़े अपने चद्दर और फैलाए पैर, मिडिल क्लास लड़के रखते सपने बड़े हाई फाई, लक्ष्य पे ना देखते हम दाएं बाएं, शूट्स हो या पार्टीज पूरा गैंग मेरे साथ जाए, फैक्ट्स को छोड़ ज्यादा फील के हम साथ, रात को महंगी दारू पी के सुबह मारे सस्ती चाय, भाई फेसबुक पर गूगल कर अब नाम मेरा, 2-3 तरीके का है हसल सुबह शाम, तो नाउ पेनी पैर पूरा टॉक तेरा भाई ले रहा, ये मिडिल क्लास भाई, काम सब पे भारी ना कोई मिडिल क्लास चॉइस, बहुत जिम्मेदारी साथ लेके चले हसल, जब भी स्पॉटलाइट पे ना मचे मिडिल क्लास नॉइस, ये वो मिडिल क्लास बॉयज, काम सब पे भारी ना कोई मिडिल क्लास चॉइस, बहुत जिम्मेदारी साथ लेके चले हसल, जब भी स्पॉटलाइट पे ना मचे मिडिल क्लास नॉइस, नाइस यार नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो यार गाइस बहुत ही जबरदस्त जैमिंग था, बहुत खतरनाक वर्ड्स, बहुत किलर थे भाई, बहुत किलर थे, मतलब बंदे के वर्ड्स सुन के ना मुझे लगा नहीं था कि इतने जबरदस्त तरीके से चीजों को फेंकेगा, बहुत बढ़िया, मतलब कहते हैं तोड़ कर दिया। वो वाली लाइन मुझे बहुत ज्यादा कैची लगी कि बस जिंदगी में इतना चाहिए जितना बड़ा अपना बेडरूम है ना उतना बड़ा अपना बाथरूम चाहिए। तो यार मतलब ये मिडिल क्लास के जो लड़के हैं ना, क्या होता है इनके पास जेब में चाहे 10 रुपए हो, सपने ये सोचेंगे करोड़ों के और वो पूरे भी कर लेते हैं, और ये होना बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर लिखाई है भाई बंदे की, बहुत ही जेन्युइन बात है, क्योंकि
रैप और जैमिंग का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आरे में लोगों को बताना। तो बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट करा, बहुत सही सही बातें करी है, अपने बुरे फेस की भी बात करी है, अपने अच्छे फेस की भी बात कर रहा है कि आज मैं यहाँ हूँ तो कल मैं वहाँ होऊंगा, तो अपना टारगेट सेट करा हुआ बंदे ने। और बहुत ही रॉ वीडियो है, वीडियो देख के भी मज़ा आया, बंदा फुल ऑन जैम कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपने यारी दोस्ती के बारे में बताया, अपने हसल के बारे में बताया, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बता रहा है, कह रहा रात को इतनी महंगी महंगी शराब पीते हैं, सवेरे सस्ती चाय पी के उसको नशा उतारते हैं। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं, तो मुझे तो बहुत खतरनाक लगा है। आपको कैसा लगा? मेरे को भी गाना ये जो रैप है बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा, क्योंकि हर इंसान जो है वो एकदम से आसमान नहीं छूता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको मौका मिलता है तो वो आगे आगे बढ़ता है। और मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों को हमें मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर हम मौका देंगे तो वो अब बड़े स्टार बनेंगे और हम उनको देखेंगे कि ये बच्चे जो हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे थे और आज इतने बड़े बन गए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं आप जितने बड़े बड़े रैपर्स ले लो, कहीं ना कहीं ये इनकी तो वीडियोस फिर बहुत अच्छी है, उनकी इनसे भी बहुत लोअर वीडियो होती थी, पर एक अंदर से एक विश्वास और एक जो अंदर से जनून होता है ना, वो चीजों को कहीं ना से कहां ले जाता है, कुछ करने का जनून होता है ना इनमें, तो ये जनून जो है ये तब पावरफुल बनता है जब ये वाकई में उस मकाम पर पहुंचे। मुझे इसका रैप समझ में आया, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं तो सबसे पहले यही बात कहूंगी, अपने सब्सक्राइबरों को भी ये बात कहूंगी, और मैं अपने लिए बता रही हूँ कि हमें इन लोगों को उठाना। वो भी तो कह रहा था कि व्यूज मेरे, सब्सक्राइबर मेरे 50,000 और लाइक मेरे 2 है, तो क्या है, क्या कोई फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आज हम जिसको नकार कर रहे हैं ना, कल हम इसको ही अपनाएंगे और फिर हम वाह करेंगे, और वाकई में इनको वाह करने का हमें मौका देना चाहिए, ये बच्चे जो है ना आगे बढ़े और हमें कुछ करके दिखाए तो हमें बहुत कुछ होगी, कुछ होगी इस बात से। तो आई होप गाइस आपको ये जैमिंग और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो, तो बिना किसी कंफ्यूजन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबाने से क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहां से देख रहे हो, ऐसे और भी गाने के ऊपर रिएक्शन चाहते हो तो बिना किसी कंफ्यूजन के इंस्टाग्राम पे फॉलो करने को, वहीं से देखें हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।